सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ अमनप्रीत कौर मैम है। उनको बैक पेन की प्रॉब्लम थी, उनको एक्सीडेंट हुआ था एक बार, जिस वजह से उनको बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। फिर उन्होंने फूड डाइट फॉलो करी, उनको काफी बेनिफिट देखने को मिले। तो आज हम मैम से ही समझेंगे कैसी उनकी स्टोरी रही। तो हेलो मैम, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी, मेरा नाम अमनदीप कौर है और मैं उत्तराखंड से हूँ। और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 6 साल हो गए हैं। तो तब से मतलब मेरे पैर में भी 5 रॉड थी, 5 ऑपरेशन हुए हैं मेरे। तो तब से मैं मेडिसिन पे थी, मतलब बिना मेडिसिन के एक भी दिन मेरा नहीं जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर गिरी, मेरे बैक में प्रॉब्लम हो गई, इंजरी हुई। और मेरा विटामिन डी बिल्कुल नील था, नींद का इशू था और नी में भी पेन थी। चिड़चिड़ा नहीं हो जाता है बंदा, वो हिसाब था। मैंने अच्छे से अच्छे डाइटिशियन से डाइट चार्ट भी लिया, जिम भी करती हूँ 5-6 साल से, बट ना बॉडी में रिलैक्स होनी चाहिए नहीं था। उसके बाद सर का मेरे को ये ग्रुप शो हुआ और मैंने क्लिक कर दिया। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करती हूँ, सब कुछ तो ट्राई किया। 2-3 दिन तो मैंने सुना, पहले समझा अच्छी तरह, फिर मैंने कहा कि चलो। मैंने 13 से कंटिन्यू किया है, 13 जून से। तो मैम, आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले अपनी लाइफ में फ्रूट डाइट फॉलो करने के बाद? सर, लेडीज के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट दूसरों से मिलना। मेरे को सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट ये मिल रहा है, तेरी फेस बड़ा ग्लो कर रहा है, कौन सा फेशियल करवा के आई? तो मैं कहती हूँ मैं कोई फेशियल नहीं करवा के आई, फ्रूट डाइट कर रही हूँ। आप भी करो, पानी पियो, फ्रूट खाओ, अच्छे अच्छे फ्रूट खाओ जो सीजन के भी फ्रूट है, आपका फेस भी ऐसे ही ग्लो करेगा। लेटे लेटे आपका वेट लूज हो रहा है इससे, और आपकी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो रही है। आपके बाल बढ़िया हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हेयर फॉल खत्म हो गया है, फेस शाइन कर रहा है, जैसे बेबीज का फेस होता है वैसे हो गया। अगर आप 1 महीना मुझे पहले देखते, मेरा फेस अजीब सा था, इतना हैवी था। तो ये चीज है, इससे बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट हो रहा है। तो मैम, आपने जब फ्रूट डाइट के बारे में सुना था पहली बार, तो आपको क्या रिएक्शन था कि मतलब फॉलो भी होगा या ये इससे ठीक भी होगा? सर क्या है कि आई लव फ्रूट, मैं बचपन से फ्रूट बहुत खाती हूँ, और एक मैं पनीर वगैरह या दही वगैरह मैं लेती थी, बट सर से जुड़ने के बाद मैंने छोड़ा। तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम ये आई कि आपको पता है ना, क्रेविंग होती है नमक की, वो तो रहती है, क्योंकि एक मील मैं वैसे भी नमक खाती थी और प्रॉपर जो अपना होता है घर का खाना। जब सर से मैं जुड़ी, सर ने मोटिवेट ही इतने काम वे में वो मोटिवेट करते हैं ना, कि ऑटोमेटिकली बंदे को मोटिवेशन मिलता है। फिर मैंने मतलब खुद को ही पंप किया। और सर मैं एक चीज और शेयर करूंगी, मेरा डिटॉक्स मोड आया और मैं तब डर गई बहुत ज्यादा। मेरी जो आंखों की अंदर वाली स्किन है ना, व्हाइट स्किन जो होती है, वो एकदम ऐसे फूल गई और खून उतर आया उसको, मेरा डिटॉक्स मोड था। तो मैंने सर को कॉल की, सर से मैंने बात की, सर ने बड़े अच्छी तरह मेरे को समझाया कि आप सिर्फ पानी पे चले जाइए, कोई परेशानी होगी तो मैं हूँ। और सर मेरा 7 दिन पूरा डिटॉक्स चला, मैं सिर्फ पानी पे रही। इतनी इचिंग हुई, इतना वो हुआ, बट नहीं, सर की वीडियो सुनी, उससे मोटिवेशन मेरे को मिलता रहा और मैंने अपने आप को बिल्कुल क्योर किया। जब हमारा डिटॉक्स मोड आता है ना, लोग तब घबरा जाते हैं, तब छोड़ देते हैं ये डाइट। तो मैम, आप क्या डाइट फॉलो करते हो? एक दिन में आप क्या क्या खाते हो, कितने टाइम खाते हो? सर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में तो मैं, मेरे को लगता है 10-12 टाइम खाती थी जब मैंने शुरू किया, क्योंकि हमारे माइंड में एक होता है ना, हाय नमक नहीं खाया, हाय नमक नहीं खाया, तो क्या खाया क्या खाया, और सारा दिन निकल जाता था। बट शाम को जो फेस करना होता था ना, नमक की क्रेम, वो बड़ी मुश्किल होती थी। उस पे अगर आप टूट गए तो थोड़ा होता था, बट उस टाइम आप मोटिवेट रखो ना। और उस टाइम मैं ज्यादा खाती थी फ्रूट ही थी। एक टाइम में एक मील में एक ही फ्रूट खाना है, खाओ चाहे आप, सर कहते हैं रात को उठ के भी अपने सराहने रख लो और जितना मर्जी खाओ। तो मैं ऐसे ही था, बनाना या मौसमी अपने सराहने रख के सोती थी कि भैया रात को भूख लगी तो खाना है। शुरू शुरू में तो मैं बहुत खाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 5-5, 6-6 केले खा जाती थी कि हाँ भूख लग रही है भाई, नींद नहीं आएगी ऐसे, है ना। तो बल्कि नींद आती भी नहीं थी। बट अब मेरी जैसे जैसे मेरी जर्नी बढ़ रही है, मेरी भूख शांत हो गई है। तो मैं उन सभी लोगों को क्या बोलूंगी जो कि बैक पेन से सफर कर रहे हैं? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अच्छा हेल्दी जीवन चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो डाइट है वो फ्रूट है। आप फ्रूट खाइए, ज्यादा नहीं, आप 10 डेज खुद को चैलेंज दीजिए कि फ्रूट डाइट पे मैं रहूं, 3 डेज चैलेंज दीजिए, तो खुद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आते हैं। किसी के पीछे लग के नहीं, अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आप करके देखिए। मतलब मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि हाँ भाई, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो ठीक होगी।